नरेंद्र मोदी ने जब अगुवाई की थी 2014 में बीजेपी की, तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीटों पर एनडीए का परचम लहराया था। और जो दो घर अपनी सीटें बचा पाए थे उनमें एक तो था यादव परिवार और दूसरा था गांधी परिवार। यहाँ तक कि चौधरी परिवार की भी सीटें उड़ गई थी जो नरेंद्र मोदी के नाम की आंधी चली थी। हालांकि चौधरी परिवार की सीटों के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं इसमें गौतम बुद्ध नगर की सीट के बारे में। गौतम बुद्ध नगर जो कि दिल्ली से मिली हुई सीट है और इसको उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित एरिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली मेट्रो भी है, यमुना एक्सप्रेस वे भी है, गाज़ियाबाद से लगा हुआ यह एरिया है, गाज़ियाबाद और दिल्ली से और उधर हरियाणा से भी लगा हुआ नोएडा है। तो इसी वजह से इसको सबसे विकसित भी माना जाता है और पूरी देश विदेश से लोग यहाँ पर आकर रहते हैं। इस सीट पर मायावती ने ट्रंप कार्ड चल दिया है और बीजेपी इसकी कार्ड ढूंढने में बुरी तरह से असफल है। बीएसपी ने टिकट दिया है सतवीर नागर को और जो हर कीमत पे ये सीट कम से कम फंसाते हुए तो दिख रही हैं, अगर निकालते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि इस सीट पर 3.5 लाख गुजर हैं और गुजरों की एकता को सभी जानते हैं। गुजर की एकता जाटों की एकता की तरह नहीं है जो बिखरी रहती है, जब गुजरों की एकता आती है तो वो एक एकता ही रहती है और वो एक तरफा वोटिंग करते हैं। और मुझे कोई शक नहीं है कि 3.5 लाख में से लगभग 90% वोट एक तरफा बहुजन समाज पार्टी को जाएगा, लेकिन वो वोट बहुजन समाज पार्टी को नहीं देंगे, वो वोट सतवीर नागर को जाएगा और सतवीर नागर बहुजन समाज पार्टी से खड़े हैं तो इनडायरेक्टली वो बहुजन समाज पार्टी को जाएगा, क्योंकि जब गुजरों को अगर गुजर प्रत्याशी दिख गया है चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, तो इसमें कोई शक नहीं कि किसी की भी लहर चल रही हो, किसी की भी हवा चल रही हो, गुजर पूरी जान लगा देंगे, ये बात सबको पता है। और वहीं जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वहाँ पर सतवीर नागर के लिए, वो है हाथी के चुनाव चिन्ह का बेस वोटर, यानी कि मायावती जी का बेस वोटर, जो किसी भी कीमत पर किसी की भी आंधी चल ले, किसी का भी तूफान आ जाए, मायावती जी से अलग जाता नहीं। और जो तीसरी सबसे मजबूती है वो है मुस्लिम वोटर। मुस्लिम वोटर पश्चिम उत्तर प्रदेश में हर सीट पर 1-2 लाख से कम नहीं है और इस सीट पर भी 1 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर है। और इन तीन ताकतों के दम पर पूरी तरह से सतवीर नागर इस सीट को फंसाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ब्राह्मण भी बहुत है, अगली जाति वाले भी बहुत है और बाकी वोट भी बहुत है, लेकिन जिस तरह से सपा का भी गठबंधन है बीएसपी के साथ, आरएलडी का भी गठबंधन है, तो हर कीमत पे सतवीर नागर पूरी टफ फाइट में नजर आ रहे हैं और महेश शर्मा इस फाइट में काफी कमजोर लग रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि महेश शर्मा इस बार सीट नहीं निकाल पाएंगे और जो समीकरण बन रहे हैं, और ऊपर से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस ने बेशक ही सपा और बसपा से गठबंधन ना करा हो, लेकिन ये गठबंधन अंदर खाने है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर की सीट को छोड़ दे, सहारनपुर और बिजनौर की सीट को छोड़ दे, तो सभी सीटों पर गठबंधन दिख रहा है। सिर्फ सहारनपुर में कांग्रेस फाइट करती नजर आ रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहां पर इमरान मसूद ने बीजेपी की हवा उड़ाई हुई है। इसके अलावा कहीं पर भी कांग्रेस फाइट में नहीं है और कांग्रेस ने बाकी सीटों पर प्रत्याशी ऐसे उतारे हैं जो वोट कटवाए हैं। एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो मुस्लिम है उनको बिजनौर में टिकट दिया है, बाकी सब जगह एक गठबंधन का धर्म निभा रही है कांग्रेस और गठबंधन वाले प्रत्याशी उतारे हैं। जैसे कि हम मेरठ में ले लें, मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल के सामने कांग्रेस के हरेंद्र अग्रवाल, जो राजेंद्र अग्रवाल के वोट कटवा साबित होंगे और फ़ायदा होगा उसका बीएसपी के हाजी याकूब कुरैशी को, और इसमें कोई शक नहीं कि हाजी याकूब कुरैशी वो सीट निकालेंगे। वैसे ही गाज़ियाबाद में ले लें शर्मा, जो कि बीजेपी का पक्का वोट है, शर्मा के सामने इन्होंने खड़ी कर दी डोली शर्मा। हालांकि डोली शर्मा से वोट कटवा नहीं है, डोली शर्मा को हल्के में नहीं ले सकते, डोली शर्मा को अच्छी खासी वोट मिल रही है और प्रियंका गांधी के रोड शो ने यहाँ पर गाज़ियाबाद में मामले को त्रिकोणीय बना दिया है, लेकिन गाज़ियाबाद की सीट तो आसानी से बीजेपी के पास जाती दिख रही है। वहीं नोएडा में भी देखें, नोएडा के भी प्रत्याशी कांग्रेस के वोट कटवा है, जो इनडायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के वोट काटेंगे। तो कांग्रेस ने अधिकतर प्रत्याशी ऐसे खड़े किए हैं जो बीजेपी के वोट काटेंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस को ये चुनाव लड़ना होता हकीकत में और फाइट करनी होती, तो मेरठ में शाहिद अखलाक, जो कि पहले बीएसपी से सांसद रह चुके हैं, उन्होंने टिकट मांगा था कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें दिया नहीं, क्योंकि कांग्रेस को पता था अगर शाहिद अखलाक को टिकट गया तो आधे मुस्लिम इधर और आधे मुस्लिम उधर और सीट निकलेगी बीजेपी की। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ सहारनपुर में इमरान मसूद को इसलिए टिकट दिया है क्योंकि इमरान मसूद के नाम पर वहाँ वोट पड़ रहा है और सहारनपुर के मुसलमानों में सबसे बड़ी सेलिब्रिटी इमरान मसूद है, 42% वहाँ पर मुसलमान है, और कोई भी सामने आ जाए 35% मुस्लिम, उन 42 में से 42% के जो टोटल मुस्लिम है उनमें 80% मुस्लिम अभी भी इमरान मसूद के ही हैं और उनको इमरान मसूद से शायद कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो लोग इमरान मसूद से प्यार करते हैं और साथ ही साथ कुछ हिंदू लोग भी इमरान मसूद के साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी को वहाँ कमज़ोर कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि इमरान मसूद और
जो वहाँ के राघव लखनपाल शर्मा हैं उनमें हार जीत का अंतर 50,000 से कम वोटों में होगा, जो कि पिछली बार 70,000 पे हुआ था। खैर, गौतम बुद्ध नगर की सीट भी बीजेपी की जाती दिख रही है, ये मेरठ की भी जाती दिख रही है, बागपत में फ़ाइट है, मुजफ्फरनगर में फ़ाइट है, लेकिन कुल मिलाकर अगर जो सेफ सीटें देखें तो बीजेपी की शुरुआती जो 8 सीटों पर वोटिंग होगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उनमें से सिर्फ 2 ही सीटें आती हुई दिख रही हैं, बाकी में से 4 तो भी 3 तो बीजेपी सीधे सीधे हार चुकी है और बाकी 3 पर बीजेपी फाइट में है। लेकिन जो भी हो, एक बात तो साफ है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में अब इस बार बीजेपी का जादू नहीं चलने वाला, और अखिलेश यादव ने इस गठबंधन में सबसे ज़्यादा जो झुके हैं वो अखिलेश यादव झुके हैं मायावती के सामने। मायावती तो शायद झुकी भी नहीं है, उन्होंने जो चाहा था वो पाया है गठबंधन में, और बड़े बुजुर्ग जो समाजवादी पार्टी से पहले से जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि अखिलेश अपनी पार्टी को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, अखिलेश यादव हर कीमत पर झुके हैं और अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर इस गठबंधन को बरकरार रखना चाहते हैं, और अखिलेश यादव मुझे पूरा यकीन है और दिख भी रहा है कि ये जो सर्वे आ रहे हैं ओपिनियन पोल, ये जो बीजेपी को 30-35 सीटें दिखा रहे हैं, ये भी अखिलेश यादव आने नहीं देंगे। अखिलेश यादव ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन किया है और फिर मायावती जी से गठबंधन किया है, और अखिलेश यादव वास्तव में इस गठबंधन में झुके हैं, और काफ़ी लोगों में खासकर उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में अखिलेश यादव की इज्जत बढ़ गई है उनके इस कदम से। और एक बात तो साफ है, 80 में से कम 50 सीटें तो गठबंधन लेकर ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।